जिन्ना लिखदे आपां पूरी समझ आउंदी पहला फटियां लिखदे सी उस तरह इहनू जिन्ना लिखोगे उन्नी जल्दी समझ आउंदी भाजी। फिर अज सानू जिद्दी जट दे शूट दे 21 दिन हो गए तुसीं भी साडे नाल काफ़ी दिन ला लिया ते किद्दां दा एक्सपीरियंस परसन बहुत अच्छा क्योंकि तेरे नाल पहलां भी काम कीता ना मैं रब्बा रब्बा भी वरसा हाँ वो क्लास पिक्चर है जिद्दण आई नज़ारा बचा नज़ारा बचा ना तेनों अवार्ड भी मिल गया क्या बात है वाहेगुरु जी उस तो यानी तेरे बारे मैनू कोई दो राय नहीं सी यू आर ए टैलेंटेड परसन और तेनू मीडिया की समझ है और दूजा की है लिटरेचर नाल वास्ता ना तेरा वो तो तू लिटरेचर पढ़ना जेड़ा बंदा लिटरेचर नहीं पढ़ता उन्हें सिनेमा घट समझ आता भाजी वो तो लिटरेचर तो फिर सा ही ने हाँ सा ही बाकी की है यू आर ए वेरी गुड डायरेक्टर टेक्नीशियन और अबव ऑल गुड ह्यूमन बीइंग जो लोग जान बूझ कर अनजान बन गए मेरा ख्याल है कि वो इंसान बन गए भाजी एक दिमाग गल है और मेरे कि जिवें बंदा बुढ़ा हो जाता तो मैनू मतलब तुहाडा एक्सपीरियंस तुसीं दसो भी एंड टाइम पर बंदे नू पैसा दे के ही कम करना चाहिए कि जां बंदे नू कम करना चाहिए भी पैसे भावें घट नहीं हो देख मेरी उम्र तक आउंदे आउंदे आदमी पैसे तो बहुत कमा लालसा यही रहती है कि मैं वधिया तो वधिया काम करा क्या जिहड़ा वधिया तो वधिया काम करन दी तसल्ली है ना क्योंकि तुसीं इस दुनिया च हो या नहीं हो फिल्मां चल क्या राज कपूर साहब है नहीं उन्होंने फिल्मां चल रही शांता राम है नहीं उन्होंने फिल्मां चल फिल्मां चल हुण दलीप साहब के आसिफ है नहीं मुगले आजम हम रहे ना रहे सिनेमा जिंदा रहे क्या बात इसलिए जिहड़ी ओह हुंदी है ना ख्वाहिश ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਗੁੱਡ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਗੋਸ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁੰਡਨ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲੇ ਪੀਏ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਅਗਲਾ ਦੱਸੋ ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਟ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਅਗਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੈਸਟ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਰੈਸਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਬੀਵੀ ਹੈ ਚੱਲ ਛੱਡ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਆ ਜਾਓ